आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेल की कुछ मिसलेनियस सेटिंग्स, क्योंकि हमारी सेटिंग्स की दूसरी फॉर्मूला है, क्लासेज है। तो बेसिकली अब बात हम सबसे पहले कर स्टार्ट कर रहे हैं कस्टम लिस्ट से। आप जैन लिखते हो, नीचे ड्रैग करते हो तो जैन 5 मार्च आ जाता है क्या सर? हाँ, उसी तरह से अगर मैंने संडे लिखा और नीचे ड्रैग किया तो संडे मंडे ट्यूजडे आ गया। तो क्या मैं अपने टीम का नाम लिखूं यहां पे? टीम का नाम लिखूं और नीचे ड्रैग करूं तो मेरे बाकी टीम मेंबर के नाम आ जाएंगे। तो ये मेरे सिस्टम में आ रहा है क्योंकि मैंने इसको एक कर दिया है, क्या बोल इसको मैंने सेट किए हुए। कहां पे सेट किया हुआ है? तो फाइल मेनू बार के ऑप्शन के अंदर एडवांस, सबसे लास्ट टॉपिक हमारा एडवांस है। इस एडवांस में आप जब नीचे आएंगे, सबसे नीचे तो यहां देखिएगा एडिट कस्टम लिस्ट। और इस एडिट कस्टम लिस्ट में आप जाएंगे और न्यू लिस्ट पे आइए और अपने हिसाब से जो करना चाहते हैं वो कर। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पूजा का कर रखा है, यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट कर रखा है, ऐसे न्यू लिस्ट पे जाइए, यहाँ पे टाइप कीजिए। लेकिन अगर आपकी लिस्ट काफी बड़ी है, हालांकि इसमें 256 लेकर पहले बार जान लीजिए, फिर भी आपके 40-50-60 का लिस्ट है और आपको टाइप करने में दिक्कत होती है तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या फिर उस लोकेशन पे जाके सिलेक्ट करके इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो सिर्फ ड्रैगिंग में यूज नहीं होता, आगे चल के शॉर्टिंग वगैरह में भी यूज होगा। जैसे कि मुझे शॉर्ट करना था, मंथ वाइज शॉर्ट करना था, लेकिन इसके हिसाब से आपकी फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, तो मैंने यहाँ पे देखिए मंथ को फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग शॉर्ट अरेंज किया हुआ है। ठीक है सर। तो कस्टम लिस्ट बनाइए और कस्टम लिस्ट आपके सिस्टम के हर एक फाइल में चलता है, क्योंकि जो भी हम सेटिंग कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर फाइल नहीं, ओवरऑल एप्लीकेशन की सेटिंग कर रहे हैं, राइट सर? अब इसमें कुछ सेटिंग्स है उसको देख लीजिए। जैसे कि सो फॉर्मूला वार, अगर मैं इसको अनचेक कर दिया तो मेरा फॉर्मूला वार नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, राइट? उस तरह से यहाँ पे टैब्स, अगर मैंने इसको अनचेक कर दिया तो सीट का जो नेम वगैरह लिखता है वो सीट का नेम वगैरह नहीं दिखेगा। उसी तरह से यहाँ पे वर्टिकल स्क्रोल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार है, तो ये चीजें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो कोई अगर आपको हटा देता है तो यहाँ से आके आप अपने हिसाब से वापस ले आइएगा। ठीक। उसके बाद एडवांस के बाद अगला ऑप्शन आता है, वो आता है कस्टमाइज रिबन। अब कस्टमाइज रिबन को एक बार ध्यान से देखें। एक कस्टमाइज रिबन जो है, मतलब है कि जो आपके ऊपर जो मेनू बार दिखते हैं होम वगैरह, उस मेनू बार को कस्टमाइज करता है। ठीक है, तो जैसे कि मुझे इसमें रिव्यू टैब नहीं चाहिए तो अनचेक कर दिया, या फिर आपके सिस्टम में डेवलपर टैब नहीं दिखता होगा डिफॉल्ट, यहां से डेवलपर टैब आप ला सकते हैं।
ठीक है या फिर आप अपने हिसाब से नई टैब भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए कि आप 10-15 टैब 10-20-25 एग्जांपल ही मोस्टली यूज करते हो और उस एग्जांपल के लिए आपको चारों तरफ घूमना पड़ता है। ऐसे जैसे के लिए आप यहाँ पे न्यू टैब पे क्लिक कीजिए, ठीक है, न्यू टैब आ गया, तो अपने फंक्शन को आप ऐड करते चले जाइए, जैसे कि कस्टम शॉट कॉपी यहाँ पे ऐड करते चले जाइए। मतलब जो जो चीजें मैं मेन मोस्टली यूज करता हूँ उसको ऐड कर सकता हूँ ताकि तो हाँ ओके करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पे न्यू टैब आ गया, ठीक है। हाँ फिर मुझे इस टैब को हटाना है तो कस्टम टैब में आते हैं, कस्टम में जी कस्टम रिबन इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए, हट गया। ये हो गई दूसरी चीज जो आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे चीज ऐसे हैं कि आप कस्टमाइज इन रिबन में जाएंगे कमांड नॉट इन रिबन, तो इसमें इतने सारे कमांड हैं जो कि आपके मेनू बार में है ही नहीं। अच्छा जैसे कि मैं इंसर्ट में एक नया देखिए कोई इसमें ऐड करना है मुझे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक आता है ठीक है स्पीक से एडिटर, मतलब कि जैसे से टाइप करेंगे तो इसको मैं ऐड करना चाहता हूं तो ये ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐड करने के लिए आपको न्यू ग्रुप लेना पड़ेगा। न्यू ग्रुप लिया, अब इस न्यू ग्रुप का नाम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं हम, और यहां पे जैसे इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, हाँ इसमें इसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे इंसर्ट में हमारे पास वो फीचर्स आ जाएंगे, मैंने उसको ऑन कर दिया। Cells will now be spoken on enter. जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा एंटर मारूंगा 250 तो बताएगा। अच्छा इंटर न्यू दिल्ली, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट सर? नहीं नहीं सर। चलिए टर्न टॉप स्पीक ऑन एंटर, तो ये हमारे फाइल के ऑप्शन में कस्टमाइज़ समझ में आ गया आपको जी। अब बात करते हैं क्विक एक्सेस टूलबार, क्विक एक्सेस टूलबार जो ऊपर आपको यहां दिख रहा है ना अंडो रिडो वगैरह, मैंने ऑल बॉर्डर जो है ऑल ऐड कर दिया है, कुछ ऐसे कमांड जो बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, जैसे मैं ऑल बॉर्डर बहुत ही ज्यादा यूज करता हूँ, उसके लिए हमेशा अंदर जाना पड़ता है, तो मैंने कमांड सेलेक्ट किया और ऐड कर दिया। तो अब क्या होगा कि मुझे इसको अप्लाई करना होगा तो अपने कीबोर्ड का ऑल्ट की प्रेस करूंगा, ऊपर 4 आ गया तो इसका एक नया शॉर्टकट बन जाएगा ऑल्ट 4, ठीक है, ऐसे 5-6 जो भी मोस्ट 2-4-5 कमांड है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ओके तो ये ऊपर ही शो करेगा जहां पे ये रीडो वगैरह दिख रहा है, वही ऊपर ही शो करेगा। ठीक है जी,
एडिंस के बारे में हम आपको बीमे बताएंगे, फिर भी एडिंस बता देता हूँ एडिंस होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए आपको अपना कुछ काम करना है, अपना कुछ काम करने के लिए आपको कुछ एक एक्सेल का फीचर चाहिए, ठीक है ना। तो आपने अपने बॉस को बोला, आपने किसी दोस्त को बोला कि यार वीवीए या डॉट नेट या किसी भी एप्लीकेशन में मुझे एक इस तरह का, मान लीजिए एसएमएस भेजने का, कि आपको एक्सेल के जरिए एसएमएस भेजना है, तो एसएमएस भेजने के लिए एक ऐप जो है बनवाना है आपको। लेकिन आप चाहते हैं कि वो ऐप हो जाएगा फिर एक्सेल वो दिक्कत होगा, हम चाहते हैं एक्सेल का ही एक्सेल से ट्रिगर हो। तो आपके वो बॉस के, आपके जो साथी है वो क्या करेंगे कि बनाएंगे, बना के फिर आपको क्या देंगे, एड इंस देंगे। आप उसको ऐड कर लीजिए और ट्रिगर कीजिए। देखिए इतने सारे एड इंस है, जैसे पिवट टेबल पावर पिवट वगैरह होता है ना सर, वो भी एड इन, ठीक है, एड इंस उस केस में होता है। तो आई थिंक आपका ऑप्शन कंप्लीट हो गया, कोई डाउट इस पे? नहीं। तो एक्सेल के ऑप्शन का यूज हम लोग करते हैं अपने हिसाब से कस्टमाइज करने के लिए। एक्सेल की प्रॉपर्टी तो नहीं पढ़ा आपने, ये प्रॉपर्टी पढ़ लिया है? प्रॉपर्टीज नहीं हुआ सर। ये जो हम इस तरह का जो आता है राइट क्लिक करके तो मेंशन करते हैं, ये नहीं निकाला मैंने। अच्छा ये आपने बता दिया है वो, ठीक है ठीक है, मैं भूल गया। चलिए अब अपने हम होम में, अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम होम मेनू बार से स्टार्ट करेंगे। हमने फाइल मेनू बार को खत्म कर लिया, अब अगला टॉपिक आता है हमारा होम मेनू बार। तो चलिए हम होम मेनू बार में बात करते हैं कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट स्टेशन, ठीक है। तो आप बोलो जनरली तो मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आपको ना पता होगा, वो चीजें हम आपको इसमें बताएंगे जी। छोटा सा एक डेटा है हमारा, मुझे जैसा डेटा है इसी डेटा को मुझे कॉपी पेस्ट करना है किसी और लोकेशन पे, तो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी जानने जाए इसी बात हम लोग कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी मुझे पूरा डेटा नहीं चाहिए होता है, डेटा का कुछ पार्ट चाहिए होता है, तो उस हम पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल करते हैं। पेस्ट स्पेशल हमें अलाउ करती है कि हम जो है इसमें जो हमने जो डेटा कॉपी किया उसमें से किसी एक पार्टिकुलर पार्ट को हम पेस्ट कर सकें। अच्छा ठीक है। उस पर्टिकुलर पार्ट को पेस्ट करने के लिए हम आपके सामने इस तरह से करेंगे कि हमारे पास जैसे पेस्ट है, अब पेस्ट में हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमने फॉर्मूला ले लिया तो फॉर्मूला पेस्ट हो। लेकिन कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर क्वार्टर वन में तो कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ तो कोई फॉर्मूला नहीं है। क्या? हाँ फॉर्मूला तो मतलब, फॉर्मूला का मतलब है जो फॉर्मूला बार में विजुअल है। अच्छा ठीक है ना, उसको पेज करेगा जैसा वैसा पेज कर देगा, फॉर्मेटिंग और बाकी चीज इसमें नहीं पेज करेगा। ठीक है। पेस्ट एज ए वैल्यू, मतलब कि फॉर्मूला बन गया तो फिर फॉर्मूला भी आ जाएगा, मुझे फॉर्मूला नहीं, मुझे फॉर्मूला को रिप्लेस करके चाहिए। वन टू थ्री जो लिखा हुआ है शॉर्टकट, इसको भी कर सकते हो या फिर आप पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए वैल्यू को कर। तो पेस्ट एज ए वैल्यू क्या किया, पेस्ट एज ए वैल्यू ने आपका फॉर्मूला रिमूव करके पेस्ट किया। तो अब मैं चाहता हूं कि फॉर्मूला रिमूव करने कहीं और हमने पेस्ट किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि जहां मेरा सेल है मैं वहीं पे फॉर्मूला रिमूव करूं, इसको कॉपी किया और मैं इसी के ऊपर मतलब पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो फॉर्मूला रिमूव, अब इसका यूज हम लोग बहुत करते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कि
छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ, आप लोग डेली बेसिस पे रिपोर्ट बनाते हैं, उस रिपोर्ट में होता क्या है कि आप किसी को भेजना हो एक डेटा, मान लीजिए एक डेटा से कनेक्टेड है, ठीक है, मैं सेल्स मैन से रीजन प्रोडक्ट वाइज में एक बार रीजन प्रोडक्ट वाइज में इसी को करता हूं, ये रिपोर्ट है हमारा, छोटा सा रिपोर्ट है, बड़ा भी हो सकता है, ये छोटा सा रिपोर्ट जो कि कनेक्टेड है हमारे डेटा से, ठीक है सर। कनेक्टेड है हमारे डेटा से। अब प्रॉब्लम इसमें ही है कि मुझे अगर ये डैशबोर्ड किसी को मेल करना है तो मुझे पूरी फाइल भेजनी पड़ेगी, डेटा भेजनी, क्योंकि डेटा से लिंक है हमारा है। मैं डेटा नहीं भेजना चाहता हूं, उसके दो कारण है, एक कॉन्फिडेंशियली मैं डेटा को हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, दूसरा कि अगर मैं डेटा भेजूंगा भी तो काफी बहुत बड़ा डेटा है, तो अगर मैंने भेजा तो मेल नहीं जाएगी, बहुत बड़ी फाइल है, 300-500-700 MB की फाइल है जो कि जाना मेल पे मुश्किल है, मेल की फाइल तो 25 MB तक की होती है, इस वजह से। तो उस केस में क्या करूंगा मैं कि मैं सबसे पहले तो सीट पे राइट क्लिक करूंगा, और इसको मूव एंड कॉपी करूंगा, क्रिएट कॉपी, और यहां न्यू बुक पे लेके ओके कर दिया। ठीक है, अब फिर भी लिंक तो लिंक है, तो हम क्या करेंगे कि पूरे सीट को सिलेक्ट करेंगे यहां से और इसको कॉपी करेंगे, और इसी के ऊपर मैं पेस्ट स्पेशल कर देता हूं, और इसमें कर देता हूं बैन, ठीक है सर। अब मैं इसको सेव करके जिसको मेल करना है मेल कर देता हूं। मतलब अगर उधर से अपन भेजते तो उससे पूरा अंदर जो डेटा था उसका वो भी जाता, यहाँ से सिर्फ इतना ही जाएगा, नहीं मतलब वो डेटा भेजना पड़ता ना, वरना फिर वो काम नहीं कर पाता ना सर। अच्छा, मेरे सिस्टम पे फाइल अवेलेबल है दिख रहा है, उसके सिस्टम में फाइल अवेलेबल थोड़ी होगी, वहां तो सर एरर ही शो करेगा ना। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। से अगर मान लीजिए इस पे कोई इसकी सिर्फ फॉर्मेटिंग चाहिए तो मैं इसको सिर्फ कॉपी करूंगा और इसकी सिर्फ फॉर्मेट को पेस्ट करूंगा, पेस्ट स्पेशल, और हमने सिर्फ फॉर्मेटिंग को पेस्ट किया तो डेटा वगैरह नहीं आएगा, जस्ट फॉर्मेटिंग आएगा। अब कमेंट मान लीजिए कि इस पे हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन डालना चाहते हैं, तो हम इसलिए हम कमेंट यूज करते हैं, इंसर्ट कमेंट, और इसमें डाल देते हैं कि दिस इज फाइनल क्लोज। ठीक है, अब इसमें कर्सर जाएगा तो दिखेगा, तो मुझे कहीं पे सिर्फ इसका कमेंट पेस्ट करना है, बाकी डेटा फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं करना है, तो पेस्ट स्पेशल में हम जस्ट कमेंट्स लेंगे। ठीक है, उसी तरह से मुझे इसमें से इसका जस्ट बॉर्डर के अलावा सब कुछ चाहिए, जो बॉर्डर लाइनिंग दिख रहा है लाइनिंग नहीं चाहिए हमें, तो कॉपी करके इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल, और इसमें हम कर देते हैं ऑल स्पेक्ट बॉर्डर। दूसरी चीज, अब जैसे रिपोर्ट आपने देखा आपेगा, तो उस रिपोर्ट में क्या है कि हमने उसको एक पेज से प्रिंट करने के लिए हमने कॉलम को साइज को एडजस्ट कर रखा था,
अब मैं इसको जनरली इसको कॉपी किया और कॉपी करके कहीं पेस्ट किया तो कॉलम की साइज पेस्ट नहीं होती है, मतलब कि मुझे फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, आपको यहां पर कॉलम विड्थ दिख रहा होगा, कॉलम विड्थ हमने इसको कर दी तो सेम वैसे ही हो गया। ठीक है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि पेस्ट एज ए कॉलम विड्थ जस्ट कॉलम विड्थ को पेस्ट करता है, डेटा को नहीं करता है। तो डेटा और कॉलम विड्थ दोनों चाहिए, तो इसकी जो आइकन्स होते हैं ना यहाँ पे आइकन्स होते हैं, आइकन में होता होगा ये कीप सोर्स कॉलम विड्थ, इसको लीजिएगा तो कॉलम विड्थ और कॉलम का साइज दोनों पेस्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए डेटा में आपके पास डेट है तो क्या होगा, अगर डेट को हमने पेस्ट जो वैल्यू कर दिया तो क्या हो जाता है सर, क्या करिए आपने, वो पूरे नंबर्स आ जाते हैं उससे पूरा। तो वो नंबर्स होता क्या है पता है आपको? नहीं, ये नंबर्स होते हैं नंबर ऑफ डेज। अच्छा, मतलब जब से कंप्यूटर कैलेंडर स्टार्ट हुआ है तब से और जिस दिन का हमने डेट डाला है तब तक का नंबर ऑफ डेज होता है। अब इसको साबित कैसे करेंगे? तो मैंने यहां पे वन लिया और इसको मैंने नंबर फॉर्मेट कर दिया, डेट फॉर्मेट कर दिया, एक एक 1900 आ गया, मतलब कंप्यूटर कैलेंडर आपका एक एक 1900 से स्टार्ट, इससे पहले की आप डेट डालते हो तो वो डेट एक्सेप्ट नहीं होगा। ओके, ठीक है। और इस तरह से मैंने यहाँ पे 367 डाल दी तो देखिए ईयर चेंज हो गया, ऐसे 43678 डाल दिया तो देखिए आपको ये नंबर ऑफ डेज है। ऐसा किया क्यों प्रोग्रामर ने, ऐसा करने के पीछे रीजन ये था, जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर के साथ अगर किसी तरह का टेक्स्ट डाल दिया तो उसके ऊपर किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं है, इसलिए ऐसा किया गया। लेकिन डेट के ऊपर तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो डेट एक्चुअली दिखता है, डेट है जब इसको जनरल फॉर्मेट करोगे तो नंबर दिखता है, जो कैलकुलेशन हो रहा है नंबर पे हो रहा है, किसी डेट पे नहीं, बस डेट होता है दिखता है, विजुअल होता है, ठीक है। जो 4, 3, 6, 7, 8 शो कर रहा है ये कब से स्टार्ट है, मतलब कब से तक का है? 1st Jan 1900, तब से अभी तक के लिए, अभी तक का जो भी डेट डालें तब तक का। ठीक है, आगे बढ़े सर जी। अब इसमें आगे हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 30 है, अब 30 को इसमें पेस्ट कर दिया तो 20 रिप्लेस बाय 30, और इसे पेस्ट स्पेशल पे गए तो यहाँ पे देखिए हमारे पास, तो एक चीज बताना भूल गया सॉरी, जब इसको पेस्ट कीजिए, इसे कॉपी करके पेस्ट कीजिएगा तो पेस्ट एज ए वैल्यू के जगह पे पेस्ट एज ए वैल्यू करने से क्या होगा, वो नंबर्स आ जाएंगे। फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेटिंग करेंगे तो आपका बाकी फॉर्मेटिंग नहीं आएगा, जैसे कि फॉर्मेटिंग होता है ना फॉर्मूला फॉर्मेटिंग वगैरह जो होते नहीं आएगा, लेकिन जो नंबर की फॉर्मेटिंग है डेट
टाइम है, ये चीजें इस पे आ जाती है। अच्छा ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम 30 कॉपी करें और इस पे पेस्ट करें तो क्या होगा? तो 30 आ जाएगा वो। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ऐड करूं तो ये दोनों के बीच मैथमेटिकल कैलकुलेशन होके यहाँ पे 50 हो जाएगा। मतलब कि जब पेस्ट स्पेशल आप करते हैं तो पेस्ट स्पेशल समय अगर आपने ऑपरेशंस में ऐड डिवाइड सब्ट्रैक्ट जो भी एक है वो सेलेक्ट कर लिया तो क्या होगा कि जहां से कॉपी हुआ है और जहां पे पेस्ट हुआ है उन दोनों के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक ठीक है। तो इसको जो है इस पे लेकिन इसका ऑफिशियल यूज क्या है? तो इसकी ऑफिशियल यूज जो है आप सर्च कीजिए और सर्च करके मुझे बताइए। ओके ठीक है जी। ओके कल की क्लास में हम आपको एडवांस पेस्ट स्पेशल के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके सर थैंक यू।